Audio Jungle. Audio Jungle. अब कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर्स देन एंड नाउ, मतलब पहले के कंप्यूटर और अब के कंप्यूटर में क्या फ़र्क है, इसको अब देखते हैं और इनमें जो भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआती समय देखते हैं कि शुरुआती समय में कैसे क्या हुआ था, कि कंप्यूटर कैसे बना और उसका विकास कैसे हुआ। चार्ल्स बैबेज द ग्रैंडफादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर हैड डिज़ाइन टू कंप्यूटर्स। चार्ल्स बैबेज जो मॉडर्न कंप्यूटर के जन्मदाता थे, उन्होंने दो कंप्यूटर डिजाइन किए, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन। द डिफरेंस इंजन वाज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस एंड वाज यूज्ड टू सॉल्व कैलकुलेशन ऑन लार्ज नंबर्स यूजिंग अ फार्मूला। यह परिमित अंतर के गणितीय सिद्धांत पर आधारित था, परिमित यानी फाइनाइट, और इसका उपयोग बड़ी संख्या में गणनाओं को हल करने के लिए किया जाता था। दूसरा एनालिटिकल इंजन, इट वॉज अ जनरल पर्पज कंप्यूटिंग डिवाइस विच कुड बी यूज फॉर परफॉर्मिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। यह एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटिंग उपकरण था जिसका उपयोग किसी भी गणितीय ऑपरेशन को स्वचालित रूप से करने के लिए किया जाता था। अब हार्वर्ड मार्क वन के बारे में देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाई IBM एंड द डिपार्टमेंट ऑफ UN नेवी, हार्वर्ड एकेन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप्ड अ सिस्टम कॉल्ड मार्क वन इन 1944। मार्क फर्स्ट वाजा डेसिमल मशीन हार्वर्ड विश्वविद्यालय IBM और संयुक्त राष्ट्र नौसेना विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड एकेन ने 1944 में मार्क आई नामक एक प्रणाली विकसित की। मार्क आई एक दशमलव मशीन थी, यानी कंप्यूटर जो दशमलव अंकों का गुणा भाग या फिर जोड़ घटाओ कुछ भी कर सकता था। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ट्रूली जनरल पर्पज कंप्यूटर वॉज ऑल्सो डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। पहले सही मायने में सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर की उत्पत्ति भी दूसरे विश्व युद्ध की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई थी, यानी दूसरे विश्व युद्ध के लिए कंप्यूटर को तैयार किया गया था। द इनैक, जिसका फुल फॉर्म द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटेजर एंड कैलकुलेटर है, वॉज डिजाइन इन 1945 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया टू कैलकुलेट फिगर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्यूनरी टेबल्स रिक्वायर्ड बाई द US आर्मी फॉर एक्यूरेंसी इन आर्टिलरी फायर। इन्हें 1945 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में हजारों के आंकड़ों की गणना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इट कुड परफॉर्म 5000 एडिशंस और 500 मल्टीप्लिकेशन पर मिनट। यह 5000 जोड़ और 5000 गुणे हर मिनट में कर सकता था। इट वॉज हाउएवर अ मॉन्स्टर्स इंस्टॉलेशन। इट यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, 18,000 वेटेड 30 टन्स, occupied a number of rooms, indeed needed a great amount of electricity and emitted excessive heat. यह एक राक्षस के जैसा विशालकाय कंप्यूटर था जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे और जिसका वजन 30 टन्स था। यह बहुत ही ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करता था और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, यानी ऊष्मा उत्सर्जन करता था, और पूरा एक कमरे में इसको सेट करना पड़ता था। इसके मेन फीचर्स आप पढ़ लेना, जिसमें एक दो पॉइंट मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की विशेषता थी और यह डेसिमल नंबर में जोड़ घटाव पर बेस्ड था, न कि बाइनरी नंबर में। अब इस समय में जो ट्रेंड चल रहा था कि क्या क्या बन रहा है, क्या क्या है, क्या क्या इन कंप्यूटर में था, क्या क्या था, तो वैसे सारी चीज़ें अब ये नीचे लिखी हुई हैं, इनको आप चाहे तो पढ़ लेना। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। चाहे इन ट्रेंड्स को पढ़ने के लिए आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लो और अभी पढ़ लो, या फिर PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे भी डाल दूंगा तो आप वहां से पढ़ लेना। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अ टू स्टेट डिवाइस कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर वाज मेड फ्रॉम सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना होता था और यह सेकंड जनरेशन में प्रयोग होने लगा। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े बड़े होते थे, उनको हटा करके अब ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर वाज चीपर, स्मॉलर, डिसिपेटेड लेस हीट देन वैक्यूम ट्यूब्स बट कुड बी यूटिलाइज इन अ सिमिलर वे टू वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में सस्ता, छोटा और कम ऊष्मा वाला था, लेकिन इसका उपयोग वैक्यूम ट्यूबों के समान ही किया जाता था। अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड अ सॉलिड स्टेट डिवाइस एज इट इज़ नॉट क्रिएटेड फ्रॉम वायर्स और मेटल ग्लास कैप्सूल्स एंड वैक्यूम ट्यूब विच वॉज यूज इन वैक्यूम ट्यूब्स। एक ट्रांजिस्टर को सॉलिड स्टेट डिवाइस कहा जाता था
क्योंकि यह तारों, मेटल ग्लास कैप्सूल और वैक्यूम ट्यूब से नहीं बनाया जाता था जिनका उपयोग वैक्यूम ट्यूब्स में होता था। द ट्रांजिस्टर्स वर इन्वेंटेड इन 1947 एंड लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन इन 1950। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था और 1950 में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का शुभारंभ किया गया। ट्रांजिस्टर 1947 से स्टार्ट हुए थे और ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आए थे, ये याद रखना। और पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लेड टू ग्रेटर स्पीड, लार्ज मेमोरी कैपेसिटी एंड स्मॉलर साइज इन वेरियस जनरेशंस। अब ये ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटा हो गया था और कम हीट प्रोड्यूस करता था और उससे कहीं गुना अधिक स्पीड का हो गया था, जिससे कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स के कंप्यूटर की तुलना में बहुत तेज हो गया था और मेमोरी कैपेसिटी भी इससे बढ़ गई थी। इसका एक एग्जांपल IBM 700 सीरीज कंप्यूटर है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में IC का आविष्कार हुआ। इट मेड पॉसिबल टू मेक मैनी कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU के पार्ट्स को बनाने में इनका इस्तेमाल हुआ। सिंस द साइज ऑफ दिस कंपोनेंट इज वेरी स्मॉल इन सिलिकॉन, दस हंड्रेड और इवन थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर कुड बी फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल वेफर ऑफ सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन में इन घटकों का आकार बहुत छोटा है, इस प्रकार सैकड़ों या हजारों ट्रांजिस्टर भी सिलिकॉन के एक वेफर में भी निर्मित हो सकते हैं और ये मेटलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। आप इस चित्र में सिलिकॉन वेफर चिप एंड गेट्स को देख सकते हैं कि वह कैसे कैसे अंदर इसके जुड़े हैं। नैंड और एंड गेट के द्वारा ये सब जुड़े हैं और ये पिंस के द्वारा ये तार बाहर निकले हुए हैं और इसमें बहुत सारे इसी तरह छोटे छोटे कंपोनेंट्स इसके अंदर IC चिप के अंदर जुड़े होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और बहुत तरह के उपकरण। अब इंटीग्रेशन लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इंटीग्रेशन लेवल में तीन लेवल दिखाए गए हैं, एक SSI, एक है VLSI और एक है ULSI। SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि किसमें कितने ज़्यादा कंपोनेंट्स आ सकते हैं। जैसे सबसे नीचे देखिए ULSI में 100 और ये 30 और ये 30, इनको आप देखेंगे तो इतने सारे कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप ULSI सर्किट में आ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं VLSI सर्किट में 10 लाख गेट्स तक एक सिंगल चिप पर आ जाते हैं और ऐसे ही SSI में थोड़ा कम आते हैं क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। उसके बाद में फिर VLSI में 10 लाख तक आ जाते हैं और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें तो करोड़ों में आते हैं, करोड़ों और अरबों तक पहुंच जाते हैं, इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप पर आ जाते हैं। यही है इंटीग्रेशन लेवल्स यानी कितना आ सकते हैं उसमें कंपोनेंट्स। वैसे थर्ड जनरेशन में प्रोसेसर का आविष्कार तो नहीं हुआ लेकिन फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसर आ गया था, मतलब माइक्रो प्रोसेसर। IC सर्किट्स और बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करके उसे और भी एडवांस बना दिया गया, जो फोर्थ जनरेशन की विशेषता बताता है। इनको फुल पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज के पढ़ लीजिए, नहीं तो इनके टॉपिक के बारे में बता देते हैं। जैसे रिलायबिलिटी के आधार पर ये सेकंड जनरेशन से और रिलायबल थे और लो कॉस्ट में थे और ग्रेटर ऑपरेशनल स्पीड थी, यानी इनकी स्पीड जो थी वो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन से बहुत अधिक थी। स्मॉलर कंप्यूटर प्रोवाइड बेटर पोर्टेबिलिटी, यानी एक छोटा सा कंप्यूटर बड़े बड़े कंप्यूटर से भी अधिक फास्ट था और अधिक फास्ट था। रिडक्शन इन पावर एंड कूलिंग रिक्वायरमेंट, यानी पावर और कूलिंग रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। यानी पहले तो AC रूम में पूरा कंप्यूटर रखा जाता था लेकिन अब सिर्फ कूलिंग के लिए एक फैन ही लगा दीजिए वही काफी हो गया था, इतना ज्यादा अब कूलिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई थी। पहले कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था कंप्यूटर, मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में, उसके बाद में थर्ड जनरेशन में ये सब बिल्कुल कम हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में SSI सर्किट का इस्तेमाल हुआ है यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में VLSI फोर्थ जनरेशन में आया है और थर्ड जनरेशन में फैमिली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। जैसे IBM सिस्टम 360 फैमिली है मॉडल 30, 40, 50, 65 एंड 75, ये सब इनके मॉडल बन गए। यानी इनमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके और इनके मॉडल बना करके बेचने लगे, यानी इनकी ये फैमिली हो गई कि इस फैमिली के ये कंप्यूटर हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन सिलेक्शन मॉडल में आई, यानी अब कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते थे। अब ये जो फैमिली होते थे कंप्यूटर की, इनके बारे में देखते हैं। इनका लो फैमिली मेम्बर से हाई फैमिली मेंबर यानी हाई लेवल कंप्यूटर तक क्या प्रोसेस था।
सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन सेट। अब इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में देखते हैं कि लो टू हाई इंस्ट्रक्शन सेट में क्या प्रभाव पड़ता था। ये सिमिलर ही रहते थे, मतलब लो में भी वही इंस्ट्रक्शन और हाई में भी। लेकिन इसमें ये बात थी कि कंप्यूटर की फैमिली मेंबर में अगर हाई लेवल वाले कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता था तो वो हाई लेवल वाले कंप्यूटर में तो एग्जीक्यूट हो जाता था, लेकिन लो लेवल वाले कंप्यूटर में एग्जीक्यूट नहीं होता था। और लो लेवल में जो लिखे जाते थे वो हाई लेवल वाले में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में हाई लेवल वाले में थोड़े फीचर्स एडवांस हो गए। तीसरा नंबर है स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये थोड़ा बढ़ गई। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये भी बढ़ गए। मेमोरी साइज, ये भी बढ़ गई। कॉस्ट, ये भी बढ़ गई। ये सब अब नीचे का आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अब इन सब चीज़ों को बताते रह जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये खुद से पढ़ने की लाइनें हैं, ना कि इनको समझाना है। अब लेटर जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी फोर्थ और फिफ्थ। इसमें फोर्थ जनरेशन के बारे में अभी तो पहले ही बता चुके हैं। वैसे VLSI पर बेस्ड था, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले सर्किट्स पर बेस्ड था। यानी बहुत सारे जो थर्ड जनरेशन में IC बनते थे, थर्ड जनरेशन में सिर्फ जो IC होते थे उनको भी अब इतना छोटा कर दिया गया था कि वो अब एक चिप पर ही सारे आ जाते थे। अब वो VLSI सिस्टम पर बेस्ड हो गए थे, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी अब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ सकते थे। और इसमें पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी आया, यानी पैरेलल कंप्यूटिंग। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा बता दिया कि इसमें क्या क्या आया। इस जनरेशन के कुछ उदाहरण VAX 9000, CRAY XMP और IBM 3090, ये कुछ उदाहरण हैं। और अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी करोड़ों अरबों कंपोनेंट्स एक ही सिंगल चिप पर अब बनने लगे हैं। दीज कंप्यूटर्स मेनली एम्फेसिस ऑन मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग, अब ज़्यादातर ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर ही आते हैं। दिस कंप्यूटर यूज हाई डेंसिटी पैकेजिंग एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज, जैसा कि पहले ही बोला कि अब इनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक ही सिंगल चिप पर आते हैं, मतलब हाई पैकेजिंग। अब सेमीकंडक्टर मेमोरीज देख लेते हैं और माइक्रोप्रोसेसर देखेंगे, जो फोर्थ जनरेशन से बनना स्टार्ट हो गए थे। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इनिशियली द IC टेक्नोलॉजी वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग प्रोसेसर, प्रारंभ में प्रोसेसर के इस्तेमाल के लिए IC तकनीक का उपयोग किया गया था, लेकिन बाद में बट सून इट वॉज रियलाइज दैट द सेम टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी। द फर्स्ट मेमोरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1970 एंड कुड होल्ड 256 bits। इसका मतलब है कि IC टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि IC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही सेमीकंडक्टर मेमोरीज को बनाया गया, जो 256 बिट्स तक स्टोर कर सकती थी, जो 1970 में बनाई गई थी IC बेस्ड सिस्टम से। अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। कीपिंग वेस विद इलेक्ट्रॉनिक एज मोर एंड मोर कंपोनेंट्स वर फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप, फ्यूअर चिप्स वर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल प्रोसेसर। प्रोसेसर के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें बहुत सारे IC चिप्स का इस्तेमाल हुआ और बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे कंपोनेंट्स और IC चिप्स एक ही साथ में माइक्रो प्रोसेसर में लगे। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से कंप्यूटर और भी अधिक पावरफुल हो गया। अब ये चार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ये सब कैसे क्या क्या लिखा है। सबसे पहले प्रोसेसर 4004, जो 1971 में आया था और जिसका मेमोरी साइज 640 bytes था। तार जैसी जो संरचना होती है, यानी बस वेड्स, इसकी 4 byte थी और ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के प्रोसेस को करता था। इसके बाद में फिर 8080 प्रोसेसर 8 bus width में आया, जो 1974 में आया था और इसका मेमोरी साइज 64 KB था। उसके बाद में ऐसे ही सारे प्रोसेसर आए, तो आप इनके बारे में पढ़ लेना, ये पूरा चार्ट पढ़ लेना, वीडियो पॉज कर लो या फिर PDF में इसको पढ़ लेना। हाइपर थ्रीडिंग अलाउज टू थ्रीड्स A and B टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, ये एक समय में दो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, क्योंकि CPU में कभी कभी इंस्ट्रक्शन डुप्लीकेट होते हैं तो उनका प्रोसेस एक साथ करता है, इसीलिए एग्जैक्ट टाइम पर दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब ये फैमिली प्रोसेसर है कि मतलब एक कंप्यूटर जो बना उसके फैमिली के मेंबर्स जो कंप्यूटर होते थे उनके प्रोसेसर हैं। सबसे लो फैमिली मेंबर में 601 प्रोसेसर लगा, जिसका ये स्पेसिफिकेशन ऊपर वाला। उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, सबसे हाई लेवल का प्रोसेसर जो था G6, वो सबसे लास्ट फैमिली मेंबर का था, यानी हाई लेवल वाले का। इसके बारे में भी आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। और VLSI सर्किट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है,
यानी एक ही चिप पर 5 से 10 लाख कंपोनेंट्स तक आ सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर हो सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशंस, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, सुपर कंप्यूटर्स, नेटवर्क कंप्यूटर्स, ये इतने कंप्यूटर्स इसमें दिखाए गए हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। दीज आर स्पेसिफाइड डिवाइस कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स दैट कंटेन्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल चिप। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले विशेष उपकरण हैं जिसमें एक ही चिप पर कंप्यूटर के सभी कार्य होते हैं। द चिप इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर प्रोसेसिंग डाटा इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले। चिप में प्रोसेसिंग डेटा इनपुट और आउटपुट डिस्प्ले का प्रावधान शामिल है। ये घरेलू उपकरण और बाहरी उपकरणों जैसे कार, रेडियो, वॉशिंग मशीन इन सब में लगे होते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वैसे ही एक माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है जिसमें रैम, रोम और बहुत तरह के अन्य उपकरण बाहर से नहीं लगाने पड़ते हैं, उसके अंदर ही फिक्स होते हैं। वो भी बहुत कम साइज में होते हैं। जैसे लैपटॉप में 4 GB, 6 GB रैम एक्स्ट्रा अलग से लगाई जाती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में माइक्रो प्रोसेसर का काम नहीं है, उसमें सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर का काम है जो उसके बाहर एक दो बटन प्रोवाइड करे जिससे आप उसे चालू बंद कर सकें, और ऐसे ही एक दो कार्य करने के लिए होता है। और इसीलिए उसमें बहुत कम स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसकी रैम, रोम और सारी चीज़ें उसमें ही फिक्स होती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB, 2 MB, इससे ज़्यादा रैम रोम नहीं होती है। और ये एक सिंगल चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर की तरह। बस इसमें कुछ उपकरण माइक्रो प्रोसेसर में जो बाहर लगे होते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर ही लगे होते हैं, वो भी बहुत कम स्टोरेज क्षमता और बहुत कम आकार में लगे होते हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। ए माइक्रो कंप्यूटर CPU इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। दे आर टिपिकली यूज्ड एज सिंगल यूजर कंप्यूटिंग, और ये सिंगल यूजर के लिए बनाए जाते हैं। ऑल्दो प्रेजेंट डे माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल, वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर बहुत पावरफुल हैं। दे सपोर्ट हाईली इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट स्पेशली लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज। मतलब कि ये हाईली इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट जिसको आप आसानी से समझ सके, स्पेशली लाइक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफ के द्वारा, चित्रों के द्वारा जो इंटरफेस आता है उस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देख पाते हैं उसमें। और इसका एक उदाहरण है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है। द माइक्रो कंप्यूटर ऑरिजिनेटेड इन लेट 1970s। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वर बिल्ट अराउंड 8-bit माइक्रो प्रोसेसर चिप। माइक्रो कंप्यूटर की उत्पत्ति 1970 के दशक के अंत में हुई और पहला माइक्रो कंप्यूटर 8-bit माइक्रो प्रोसेसर चिप का बना। इनमें 8-bit, 16-bit और ऐसे ही बहुत सारे पहले यूज होते थे। और सबसे पहले 8086 प्रोसेसर एंड 8088 प्रोसेसर आया था जो इंटेल कॉर्पोरेशन का था, और वो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स में लगा था। माइक्रो कंप्यूटर के कुछ उदाहरण जैसे लैपटॉप, PC, नेटपैड और स्मार्टफोन, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब पढ़ते हैं वर्क स्टेशंस के बारे में। द वर्क स्टेशंस आर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस सच एज CAD, CAM और एनी अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड अ मॉडरेट कंप्यूटिंग पावर एंड रिलेटिवली हाई क्वालिटी ग्राफिक कैपेबिलिटीज। वर्क स्टेशंस माइक्रो कंप्यूटर्स की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनमें इतना अंतर होता है कि इनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इनका बहुत अच्छा होता है, रैम, रोम और इनका प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है। ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर्स के जितने ही होते हैं और उनकी तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लार्ज रैम, नेटवर्क सपोर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मास स्टोरेज डिवाइस, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसमें सम स्पेशल टाइप ऑफ वर्क स्टेशंस कम विदाउट अ डिस्क। कुछ स्पेशल टाइप के वर्क स्टेशंस डिस्क के बिना आते हैं, उन्हें डिस्कलेस टर्मिनल्स यानी वर्क स्टेशंस कहते हैं। वर्क स्टेशंस आर टिपिकली लिंकेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। ये नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वर्क स्टेशन से 200 यूजर्स तक एक बार में प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मतलब ये माइक्रो कंप्यूटर के आकार में तो होते हैं, लेकिन ये उनसे कहीं गुना पावरफुल होते हैं और वर्क स्टेशन से 200 यूजर तक एक बार में कनेक्ट हो सकते हैं और इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई थी जब यह महसूस किया गया था कि कई कंप्यूटिंग कार्य के लिए महंगे समकालीन मेनफ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे छोटे से हल किया जा सकता है, तब मिनी कंप्यूटर को बनाया गया। और ये मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, यानी एक समय पर कई सारी यूजर्स इसको चला सकते हैं। और इसका प्रभाव ये था कि ये प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत तेज थी और पावर भी कम लेते थे। इनके कुछ उदाहरण IBM AS/400 और डिजिटल VAX के कुछ उदाहरण हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर जनरली 32-bit मशीन्स और हायर।
यानी ये 32 बिट की मशीनें हैं। दीज आर सुइटेड टू बिग ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज हाई वॉल्यूम एप्लीकेशंस। ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में लगाए जाते हैं उच्चतर एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए। ये कुछ मेन फ्रेम सीरीज लिखी हैं जैसे DEC, IBM, HP और ICL की। ये कुछ सीरीज आती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। अब सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के थोड़ा सा ऊपरी लेवल के कंप्यूटर हैं और ये तो बेसिकली मल्टी यूज़र सिस्टम होगा ही, क्योंकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और इनको चलाने के लिए सिर्फ एक यूज़र थोड़े ना होगा, इसको चलाने के लिए बहुत सारे यूज़र्स होते हैं और इसीलिए तो बनाया ही जाता है ना। मतलब इसका मल्टी यूज़र सिस्टम होता है जिससे मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आसानी से प्रोसेस हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हायर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की तरह ही होते हैं, उनकी भी हायर स्पीड होती है और इसकी भी हायर स्पीड होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे सुपर कंप्यूटर CRAY, IBM 3090 विद वेक्टर, NEC, Fujitsu, परम बाय CDEC आर सम ऑफ देम। अभी परम सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। सुपर कंप्यूटर जैसे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस को चलाने के लिए और ऐसे ही बहुत सारी हायर एप्लीकेशंस को चलाने के लिए होते हैं और इनसे वेदर फॉरकास्टिंग, कंप्यूटेशनल फ्लूइड्स डायनेमिक्स, रिमोट सेंसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल एप्लीकेशन, ये सारे इनके कुछ मेन काम हैं। परम इज़ अ हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंप्यूटर। इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्केलेबल कंप्यूटर्स सपोर्टिंग मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग इन क्लस्टर ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि यह पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करता है, यानी एक समय पर बहुत सारे यूजर्स इसको चला सकते हैं, यानी एक समय पर इसके नेटवर्क के द्वारा बहुत सारे यूजर इसको यूज कर सकते हैं। परम का मुख्य लाभ इसकी मापनीयता है, यानी स्केलेबिलिटी। परम कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटर। ये बहुत महंगा कंप्यूटर होता है और ये एक सेकंड में टेरा फ्लोटिंग पॉइंट्स तक ऑपरेशंस यानी कार्य कर सकता है। मतलब ये टेरा फ्लोटिंग पॉइंट इसकी परफॉर्मेंस है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस नापने के लिए होता है और ये बहुत ही ज़्यादा है। अब पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। दिस कम्प्लीट्स अवर डिस्कशन ऑन द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये यूनिट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करता है। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डिस्कस्ड इन द यूनिट इज नॉट द ओनली आर्किटेक्चर बट मेनी न्यू आर्किटेक्चर हैव कम अप विच यू विल फाइंड इन फर्दर रीडिंग्स। मतलब कि कंप्यूटर के लिए वॉन न्यूमैन ने ही अपना एक आर्किटेक्चर नहीं दिया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, बल्कि कई आर्किटेक्चर हैं जिन्हें आप भविष्य में पढ़ोगे। इस यूनिट में आपको इंटरप्ट्स के बारे में बताया गया है, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ऑल दो इट इज़ एग्जीक्यूटिंग इट कैन बी सप्लीमेंटेड विद एडिशनल रीडिंग। हालांकि ये सारी चीज़ें संपूर्ण हैं लेकिन इसमें फिर भी कुछ एडिशनल रीडिंग भी दी हुई हैं। इन फैक्ट अ कोर्स इन एन एरिया ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी सप्लीमेंटेड बाई फर्दर रीडिंग टू कीप योर नॉलेज अप टू डेट एज द कंप्यूटर वर्ल्ड इज चेंजिंग विद लीप्स एंड बाउंड्स। आपको खुद भी तो पढ़ना ही चाहिए लेकिन आप उसके बारे में बता पाएं ये भी आपको आना चाहिए। इन एडिशन टू फर्दर रीडिंग्स द स्टूडेंट इज एडवाइज टू स्टडी सेवरल इंडियन जर्नल्स ऑन कंप्यूटर्स टू इन्हेंस हिज नॉलेज। आगे पढ़ने के अलावा छात्र को अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर पर कई भारतीय पत्रिकाओं का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। मतलब कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको नॉलेज गेन करने के लिए इससे भी ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। अब मिलेंगे सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।